नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर जिले में तेंदुपत्ता कटाई का शुभारंभ किया गया है। बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत ईटबाल जेत लुर गांव में तेंदुपत्ता कटाई का शुभारंभ किया गया है, जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुपत्ता ही एक ऐसा जरिया है जो उनके आय का स्रोत है, क्योंकि तेंदुपत्ता, मोहा, टोरा, यही तीन चीजें होती हैं इनके जीवन यापन के लिए, जो कि पैसा कमाने का जरिया है। नमस्कार, हर खबर से मैं सलमान चंद्रगिरी। बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत ईटपाल ग्राम जैतलोर में आज मौजूद हैं हम। आज से हमारे जिले में तेंदुपत्ता कटाई चालू हो चुका है और इसी विषय में हम लोग यहाँ के ग्रामवासियों से जानते हैं कि उन लोग कितने परेशानी हो कि हम लोग तेंदुपत्ता काटते हैं और किस प्रकार यहाँ ला के बेचते हैं और उनको प्रति सैकड़े क्या पैसा मिलता है, हम वो जानेंगे। तो ग्रामवासी से हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से परेशानी हो कि ये लोग तेंदुपत्ता तोड़ते हैं और लेके आके यहाँ बेचते हैं, क्योंकि ग्रामवासियों का एक ही भाई होता है जो इन लोगों का जो रहता है मोआ, टोरा और तेंदू, यही चीज़ है जो इसी में इन लोग जो है ना अपना पैसा, आय का सालाना का जो पैसा है वो जमा करके रखते हैं। तो हम ग्रामवासी से जानेंगे, हमारे साथ एक ग्रामवासी भाई बने हुए हैं। तो भाई, आपका नाम क्या है? तो आप ये तेंदू पत्ता कब से तोड़ना चालू कर दिया? अच्छा, तो आपको साल तोड़ता है। हाँ, इससे क्या फायदा होता है? फायदा अब पत्ता से ही, अभी ये के तेंदु पत्ता के उस समय, उसके बाद मऊआ का, फिर टोरा का, बस फिर उसके बाद दान पहुँच जाता है, दान भी नहीं। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप जब तेंदु पत्ता तोड़ना चाहते हैं? तेंदु पत्ता तोड़ना बोलने से इतना गर्मी में इतना परेशान होता है, अब इस साल तो पानी भी गिरा है, हो सकता है पौधा के नीचे सांप बिच्छू भी रहेगा, उसको भी ध्यान नहीं देते इधर तोड़ते समय, तो उसके लिए भी बीमा बना हुआ है ना। तो आप तेंदु पत्ता यहाँ पे कितना बेचने लगे, कैसे सैकड़ा दे रहे हैं आपको बताए? अभी 205 पे मिला है, तो उसमें 400 शासन दे रहे हैं। तो और लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बात कराते हैं। देख रहे हैं आपकी यहाँ का जो माहौल है, लोगों का जो माहौल है कि यही है, और इसमें दोनों तरफ 25-25 50 पत्ते का ये गड्डी होता है और इसका रेट 4 रुपये है गवर्नमेंट का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के फड़मंसी, हम उनसे जानते हैं कि ये कब से शुभारम्भ हुआ है तेंदुपत्ता खरीदने का और ये कब तक और चलेगा, हम उनसे जानते हैं। तो फड़मंसी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्र सिंह बोयर है, मैं गांव का निवासी हूँ। अब जब तक पता अच्छा आएगा तब तक लेंगे, आज से शुभारम्भ हुआ है पत्ता खरीदी का। और ये कब तक चलेगा बोले? जी, जब तक पत्ता अच्छा आएगा तब तक लेंगे। सैकड़ा कैसे दे रहे हैं? सैकड़ा गवर्नमेंट रेट 4 रुपया। तो मतलब 400 रुपये सैकड़ा चल रहा है। हाँ। जब तक अच्छा पत्ता आएगा तब तक आप इसको जोड़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नोबेल वर्मा ने नेशनल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के इस्तीफे को अस्वीकृत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सहित राष्ट्रीय पहचान शरद पवार हैं। तो आपको बता दें कि शरद पवार के इस्तीफे को अस्वीकृत करा गया है, वहीं कहा गया है कि राष्ट्रीय पहचान है शरद पवार। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। कि आज 2010 से लेकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार था और उनके द्वारा विभिन्न कंपनियों को नौकरी देने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया और वो गांव गए हैं और हर गांव में, लगभग हर गांव में, हर पंचायत में एक साल दो साल में दोगुना तिगुना पैसा वसूल कर देंगे, तो वापस करने का उन्होंने पैसा जमा किया। आज छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 900 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, कार्यकाल समाप्त हो गए, 2 साल 2.5 साल पैसा कुछ नहीं दे पाए। फिर भूपेश बघेल का दौरा हुआ है, भूपेश बघेल अपने घोषणा पत्र करता है कि जो पैसा हम जमा हुआ है उनको हम वापिस करेंगे, लेकिन आज तक एक भी पैसा वापिस नहीं हुआ।
ऑफिसर तक है, पूरा पूरा प्रदेश में मजबूरा कॉम्प्लेट में है कि आज 2010 से लेकर 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार था और उनके द्वारा विभिन्न कंपनियों को नौकरी देने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया और वो गांव में और हर गांव में लगभग हर गांव में हर पंचायत में एक साल दो साल में दोगुना तिगुना पैसा वसूल कर देंगे तो वापस करने का उन्होंने पैसा जमा किया। आज छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 900 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, कार्यकाल समाप्त हो गए, दो साल रहता हुए पैसा नहीं दे पाए। फिर भूपेश बघेल का दौरा हुआ है, भूपेश बघेल अपने घोषणा पत्र का है कि जो पैसा हम जमा हुआ है उनको हम वापिस करेंगे, लेकिन आज तक एक भी पैसा वापिस नहीं हुआ। मैं अपना परिचय करा दूं, मैं वर्तमान में नवल वर्मा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूं। 1993 से 1998 के बीच में मध्य प्रदेश में विधायक रहा हूं, राजस्व मंत्री रहा हूं और 2003 में जब छत्तीसगढ़ बना उसके विधानसभा चुनाव में एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लोग का जो विश्वास नहीं हुआ कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, कहे हम लोग साफ हुए, हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम सभी पदाधिकारी सभी विंग के पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा देंगे। हम केवल कर लीजिए वो भी कर लीजिए, मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ऐसे नहीं मैं यहाँ पे कोई ऐसे नहीं भूपेश बघेल जी हम लोग एक ही बेच के हम मुख्यमंत्री बनने का प्रदेश अध्यक्ष बन गए, ज्यादा अंतर भी गाँव में मान जी बने तीन साल कहीं की नहीं आ रहे बाकी और बहुत सारे जमीन चौबे दो चार ही विधायक होंगे जो मेरे से तीन जन होंगे और मेरे से ज्यादा योग्य हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन 2003 से 2008 के बीच चुनाव में बीजेपी जब एक सीट दो सीट थी जब गवर्नमेंट बनाना थी अपना क्यों नहीं बना सकता कि आज के दिन में मैं बहुत बता रहा हूँ कि कल ये हो सके कल मुझे मुख्यमंत्री को मुझे आपको इंटरव्यू लेना चाहिए, इसलिए कि अगर सत्ता विधायक को टिकट मिल रहा है कांग्रेस पार्टी का तो मैं बोल उसकी पहले बोल रहा हूं कि आज के दिन में सत्ता विधायक में से आधे से ज्यादा चुनाव हारने जा रहा है और आज आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के इतिहास कि तीन चार फीट बीएसपी के ले जाता है जो महानदी के पेश लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देख लीजिए कि हर साल दो तीन चार बीएसपी विधायक लोग रहते हैं और एक दो मेरे हैं जैसे या चोपड़ा जी है या दो चार विधायक हैं ये चुनाव जीते हैं, चार पांच छह सीटें जो भी कारण चुनाव जीता था चार पांच छह सात सीट इतने हम लोग जीते हैं। अगर दोनों का शक्ति संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा तो जैसे झारखंड अकेले मुख्यमंत्री था अपने पार्टी उसी का फैसला होगा हम लोगों को मित्र को आप लोगों को मिलना चाहिए, ये मत बोलिए कि हमारा कोई बेस नहीं, ठीक है आज चुनाव वो जीते हैं एक परिवर्तन की लहर है कि जिसमें बीजेपी खटाती थे कांग्रेस वाले, लेकिन आज कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं आज मैं खाने की स्थिति में हूं अगर नाम में तो मैं जहां पे बिलाप करता हूं वहां के बड़े नेता जो आज के दिन प्रदेश में वो चुनाव हारने जा रहे हैं बड़े बड़े नेता आपको इलेक्ट कर रहे हैं फिर ऐसा बोल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजयुमो ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का पुतला दहन करके बजरंग दल को बैन करने का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में आए सभी कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक में इकट्ठा होकर नारे लगाए और एक कार्यकर्ता ने पुतला दहन किया जिस पर पुलिस के जवानों ने तुरंत काबू करके आग बुझा दी। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रस्तुत घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पत्रकारों से बात करने के दौरान कहा कि बजरंग दल को छत्तीसगढ़ में भी बैन किया जाएगा, जिसके बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध करते हुए पुतला दहन किया।
कहा कि बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। जिस प्रकार ने कर्नाटक का संविधान कांग्रेस सरकार के द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा सप्ताह आने पर भजन दल को बैन करने की बात कही गई है, आज उसी को लेकर जगदलपुर पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे समय में अगर कांग्रेस इस प्रकार की मानसिकता के साथ हिंदू गतिविधियों में संलिप्त संगठनों पर और हिंदू मानसिकता के लोगों पर किसी प्रकार का अगर इस प्रकार का हस्तक्षेप करके कार्यक्रम करती है या अपने मैनिफेस्टो में लाकर राष्ट्र संगठनों को बैन करने की बात करती है तो ये निंदनीय है। आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर इस प्रकार से कोई भी कृत्य होता है, चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे कहीं भी हो, बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। देखिए क्या होता है, जो भी हिंदू राष्ट्र विरोधी की बात होती है, अगर कोई भी हिंदू हित की बात करेगा, हिंदू सम्मान की बात करेगा और राष्ट्रीयता की बात करेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीयता के प्रति एक कांग्रेस को हमेशा अस्मिता का खिलवाड़ रहता है। लेकिन यहाँ अस्मिता को बनाए रखने के लिए, उस अस्मिता को बनाए रखने के लिए जब हम राष्ट्र और धर्म की बात करते हैं तो यह कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कहीं वो बिल्कुल कदम ये उनके राजनीतिक वोट बैंक का ही मामला है। इतिहास गवाह है, जहाँ हिंदू घटा वहाँ देश बढ़ा। हमारा हिंदुस्तान पहले से ही दो टुकड़ों में घट चुका है, कारण वहाँ हिंदू घटा। किंतु ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम सनातनियों को या हिंदुओं को एकदम कुचल के रखने की कोशिश जो भी पार्टी करती है वो बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्य देश का है कि ऐसे लोगों को हम नेता बोले या हमारे पालक बोले। ये 200 साल का या 600 साल का 800 साल का जो भी है, उन्हीं के भरोसे पे, उन्हीं के छत्रछाया में चलते हैं। अंग्रेज लोग पहले देश को डिवाइडेड रूल किए, अब ये पार्टी जो है ना डिवाइडेड फैमिली करके अपना राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ में जैसे कांग्रेस की सरकार है, अगर यहाँ पर भी इस तरीके से जैसे छोटा सा बयान आया था मुख्यमंत्री जी का, तो इसको लेकर क्या है? अगर आप ही बोल रहे हो ये बयान छोटा सा है, छोटा सा चीजों पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, छोटी मोटी गलती बड़ों से हो ही जाती है, तो वो छोटा सा बयान को बड़ी माफी मांग के वो वापस ले लेंगे, ये हमको भरोसा। आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की सरकार भी अगर ऐसा कुछ मैनिफेस्टो में चुनाव बताएगी मैनिफेस्टो में मेरे ख्याल से जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं ऐसे गलत कदम नहीं उठाएंगे जो हिंदू को बांट के अपना राजनीतिक लाभ लें। जहाँ हिंदू है वहाँ राष्ट्र है, जहाँ राष्ट्र है वहाँ शांति। चुनावी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो सरकार आने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की है और पीएफआई संगठन से बजरंग दल की तुलना की है। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और उस पर सरकार द्वारा बैन लगाया गया है, उसकी तुलना बजरंग दल से की है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। और लगातार बजरंग दल राष्ट्रीय हित के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, उसका पीएफआई से तुलना करना सरासर गलत है और निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। कोंडागांव में कुम्हार समाज के वार्षिक सम्मेलन एवं आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष केशकाल विधायक संतराम नेताम शामिल हुए। इस दौरान आम सभा में उपस्थित समाजजनों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि कुम्हार समाज ने अत्यंत मेहनतकश समाज के रूप में ख्याति अर्जित की है, अपने सर्जन और कलाकृतियों के बल पर देश दुनिया को आगे बढ़ाने में कुम्हार समाज का विशेष योगदान रहा है। प्राचीन काल में जब धातु निर्मित वस्तुओं का प्रचलन नहीं था, तब मिट्टी निर्मित बर्तनों और कलाकृतियों ही उपयोग में लाई जाती थी, जिसका पूरा श्रेय कुम्हार समाज के भाइयों को जाता है। मतलब अमर हो ये तो सबसे अच्छा खुशी की बात है, सब लेकिन लेकिन एक अभी वक्तमन में हम बात सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, नेशनल कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशियों से हमारे संवाददाता श्री चंद मखीजा ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हमारा जो संगठन है वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। उसी सिलसिले में हमारा सदस्य जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अपने क्षेत्र में अच्छे से जान पहचान बढ़ा के अपने क्षेत्र को देख के समझ के और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे क्या है मसूरी विधानसभा क्षेत्र में? विकास मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, यही हमारा। पर काफी काम कर तो रहे जो वर्तमान विधायक। देखिए, आप अगर मौके पे अगर जाकर देखेंगे तो अभी जो वर्तमान सरकार है और जो पिछले 15 साल की सरकार है, उन दोनों में जो कार्य किए हैं उस हिसाब से कुछ कार्य गरीबों को दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ रेफरल सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डॉक्टर भी हैं, दवाई भी है। देखिए, डॉक्टर दवाई जो आप बोल रहे हैं वो सब कागजी कार्रवाई है, इसके लिए आपको फील्ड में जाके आपको कुछ स्वयं होकर आपको देखना पड़ेगा। आपने कहाँ कहाँ पर देखा है? तालाबंदी स्वास्थ्य केंद्रों में तालाबंदी कहाँ कहाँ देखी आपने स्वास्थ्य केंद्रों में? तालाबंदी जगह दिखेगा सर, आप पहुँच जाएंगे तो आप अगर कुछ जाकर देखना चाहेंगे तो सर सब खुला ही मिलेगा, लेकिन आप अगर मौके पर अगर जाँच करना चाहेंगे तो उस जगह में आप। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है वो ग्रामीणों पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, केवल छठी बिहार उसमें जा करके लोगों के साथ मिलते जुलते, बाकी बोले विकास के नाम से उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं। विकास तो बिहार हो गए हैं, तो आते हैं जब बने थे विधायक उस समय उनकी सरकार था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यदि आपको वहाँ से टिकट देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले तो मेरे क्षेत्र में बिहार विधानसभा उस जगह में जितने ग्रामीणों के बीच जो अर्थचारी और जो वो वहाँ पर शराब की जो गंगा जो बह रहे हैं हर गांव में, उससे जो है छोटे छोटे बच्चों पर जो फर्क पड़ रहा है वो उस पर पहले लगाम लगाऊंगा। सबसे पहला मेरा प्राथमिकता वही है। दूसरी चीज़ ये है कि रोड जो है, रोड किसी भी जगह में किसी भी गांव में जाने के संपर्क स्थल जाने तक के रोड को जो जर्रर हो गया है वो, और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेशर जो है वो पूरे फसलों को नष्ट कर रहे हैं वहाँ पर, और अवैध में जो कोयला डंप जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा बिहार विधानसभा क्षेत्र में बड़े पूंजीपतियों के द्वारा की जा रही है, जो इन कांग्रेस के हक़ है, कांग्रेस लोग के लोगों के शरणार्थी हैं। प्रधानमंत्री आवास का क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास में जो रोक लगाए हुए हैं वो प्रधानमंत्री आवास का जो है जितने भी लोगों का जो हो रहा है उसमें भी वंडर बात है। वो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, वो लोगों ने उनके दलाली पूर्ण रूप से नहीं चल पा रहे, इसलिए रोक लगा करके रोके हुए। कुछ जो है वो बन चुका है, आधा बन करके आधा अधूरा में लटका हुआ है। क्या नाम आपका, किस पद पर हैं भैया? प्रदेश महासचिव हैं। केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोपरा में प्रतिवर्ष शीतला माता मंदिर प्रांगण में वार्षिक फूल मेला का आयोजन होता है, जिसमें क्षेत्र के कई देवी देवताओं के विग्रह को फूल माला तोरण से सजाकर मेले में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, जहां ग्राम प्रमुख गायता और पुजारी की अगुवाई में मेला कार्यक्रम को संपन्न कराया जाता है। मेला कार्यक्रम में सभी धर्म समुदाय के लोग शामिल होते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ देवी देवताओं के विग्रह तथा देवी देवताओं पर पुष्प हार पहनाकर मेला क्षेत्र की ढाई परिक्रमा की जाती है और परिवार की तथा खुशहाली की कामनाएं करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व विधायक प्रत्याशी हरिशंकर नेताम सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गणेश दुग्गा, रमेश यादव, कोपरा ग्राम पंचायत के सरपंच सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहां शामिल रहे। तो आपको बता दें कि इस मेले के आयोजन में वार्षिक फूल जो है वो मेले का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें शीतला माता मंदिर में होता है इसका आयोजन, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तों की और नेतागणों की भीड़ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह लोगों में मेले को लेकर उत्साह है और लोग भारी संख्या में मेले में पहुंचे। आपको बता दें इस मेले का आयोजन शीतला माता मंदिर के प्रांगण में होता है
और बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहां पर शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर कोतवाली में कांग्रेस नेता और आईपीएस अफसर के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान थाने में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंच गए और काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। इस मामले में वीडियो वायरल हुआ तो थाने में नेताओं का जमकर लग गया। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस अधीक्षक ने 3 दिन में मामले की जांच का आश्वासन दिया है। दरअसल महेश द्विवेदी नाम का कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी काम से थाने में गया था। इसी बीच आईपीएस विकास कुमार थाने में पहुंच गए। विकास कुमार ने महेश को गुटखा खाते देखा तो वो भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने लात मार दी। इसके बाद महेश ने सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य को बुला लिया और कार्यकर्ता को लात मारने की बात को लेकर सुशील मौर्य और आईपीएस विकास कुमार के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। दोनों ओर से धक्का मुक्की होने लगी और बात मारपीट तक पहुंच गई। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक संतोष बाफना ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि इस घटना के बारे में जानकारी मिली और इस घटना से कांग्रेसियों की मानसिकता का पता चलता है। यह घटना बताती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अब अपने अंतिम दिन गिन रही है। जो घटना हुई है वो कोतवाली थाने पे हुई, उसका एसपी कार्यालय पे कांग्रेसियों के द्वारा घटना हुई है और ये घटना हम यदि कहें तो दुर्भाग्यजनक रूप से है। एक जहां तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कांग्रेसी कोई कार्यकर्ता है वो किसी अपनी समस्या को लेके थाने गया था। थाने पे मतलब किसी बात को लेके उनकी बात को विवाद हो गया। विवाद के दरमियान ये विवाद बढ़ता चला गया, उस पर कांग्रेस के एक सांसद के प्रतिनिधि आए और उन्होंने भी उस विवाद को और ठंडा करने के बजाय गर्म करने का प्रयास किया। और यदि हम कहें तो इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है वो जाने की शुरुआत हो गई है और कांग्रेस के जो मुखिया हैं सम्माननीय भूपेश बघेल जी, उनसे कांग्रेस के कार्यकर्ता संभले नहीं जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन भी जो सबसे पहले बदला हुआ अब नजर आ रहा है, यदि हम कहें तो सत्ता जाने की निशानी है। और आने वाले समय में 2023 में मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस का सत्ता नहीं आ रही है, ये बात अब निश्चित हो गई है। और बस्तर में तो कहीं से भी कोई सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नहीं दिख रही है। इस घटना के बाद हो गया तब पहुंचने के बाद हमें ये पता चला कि एक कार्यकर्ता के साथ और बहसबाजी और दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले कोतवाली थाना पहुंचे। वहां हमारे कार्तिक महेश द्विवेदी जी और सुशील मौर्य जी के द्वारा आवेदन दिया गया। उसके बाद इस घटना के संबंध में चूंकि पुलिस से घटना है इसलिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारी के बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आज खड़े हैं और उनसे अभी मिल करा रहे हैं और संबंधित सारे विषय की जानकारी हमने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराई। साथ ही हमने इस सारी बातों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी दिया है। ऐसे विषय में चूंकि सीसी फुटेज के समक्ष घटना हुई है और सारे विषयों पर पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि हम सारे विषय की निष्पक्षता के साथ जांच कराएंगे। एक पक्ष की बात अभी हमने सुनी है, दूसरे पक्ष की चीजें पुलिस के सीसी फुटेज के रिकॉर्डिंग में जिस प्रकार से आएंगी और उन्होंने ट्रेडिशनल एसपी मैडम नंदिनी का पार्टी जांच के लिए अधिकृत किया और उस जो
जांच की जाएगी, उससे बहुत जल्द अवगत कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के कानून को हमें पूरा विश्वास है और जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं होंगी और दोनों पक्ष की जो निष्पक्ष जांच होगी उस प्रकार से जो आगे प्रक्रिया होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।